और जरा गौर से इस वीडियो को देखिएगा। अभी हम लोग कुंडवा चांदपुर थाना क्षेत्र के कुंडवा चांदपुर स्टेशन के पास ही है, जो पूर्वी चंपारण जिले ढाका प्रखंड के अंतर्गत आता है। और हमारे सामने गरीबों के मसीहा पप्पू यादव जी है, और इस भरी बरसात में हम भी भीज के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और हमारी कैमरामैन के भी क्या दुर्दशा है उसकी तो बात ही मैं नहीं करूंगा। यहाँ पे सभी लोग कुर्सी छोड़ के भाग गए, लेकिन पप्पू यादव जी एकलौता ऐसे नेता है जो इस भरी बरसात में भी भीग भी करके अपनी बात लोगों के पास तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या यही सुशासन की सरकार है? और बिहार की जनता को ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती है? जब चुनाव का समय आता है तो सभी लोग जाति और पार्टी के नाम पे वोट देना शुरू कर देते हैं, जाति और पार्टी के नाम पे वोट देना शुरू कर देते हैं। अब जरा एक बात बताइए कि क्या वो जाति और पार्टी के नेता यहाँ पे अब तक क्यों नहीं है? यहाँ देखिए बरसात में पानी लग गया और सामने हमारे नेता जी हैं और भीग भीग करके अपनी सारी बातें जनता के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो बिहार के लोग जरा शर्म करिए कि ऐसा नेता आपने चुना है? क्या ये आपका विधायक पप्पू यादव की तरह है? क्या ये आपका सांसद पप्पू यादव की तरह है? या क्या आपका मुख्यमंत्री पप्पू यादव की तरह? यह सबसे बड़ा सवाल है। इतनी भरी बरसात में कौन नेता भी अपनी बातों को सुनाएगा? भाई कौन सुनाएगा, कौन सुनाएगा? आज मैं पागलों की तरह आपसे बात कर रहा हूँ। इतनी भरी बरसात में भीग भी करके पटना से आकर के कौन नेता तुम्हारी बातों को सुनेगा यार? कब समझोगे तुम लोग? और क्यों नहीं सुधरते हो? क्यों नहीं सुधरती है बिहार की जनता? कब आपकी बेटियां सुरक्षित होगी? इस पे बातें कर रहे हैं, कोई वोट मांगने नहीं आए हैं। कब आपकी माँ बहने सुरक्षित रहेगी? इस पे पप्पू यादव जी बात कर रहे हैं और कोई वोट की राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। तो कब सुधरेंगे हम लोग और कब हमारी बिहार सुरक्षित होगी? इतनी प्रयास दिखाइए। इतनी प्रयास करने के बाद भी पप्पू यादव भीग भी करके अपनी बातों को सुन रहे हैं। कुर्सी पर एक भी लोग नहीं है, दो चार लोग बैठे हुए, बाकी कुछ मीडिया कर्मी है। और बाकी सब लोग को दिखा दीजिए यहाँ पे, और बाकी सब लोग बरंदे में जाकर के नेताजी की बातों को सुन रहे हैं। दिखाइए वीडियो में, क्या यही बिहार है? और ऐसे बिहार बदलेगा? अरे शर्म करो जनता बिहार की, ऐसे बिहार बदलने वाली नहीं है। और ऐसा कोई नेता है जो पटना से भीज करके भाषण दे यार? ये किस लिए यहाँ पे आए हैं? ये केवल एक हत्या के जो आरोपी है, उस हत्यारा को उचित कार्रवाई और सजा करवाने के लिए आए हैं, और खुद भीग गए बेचारे। क्या कहूँ इस तस्वीर को, मैं कैसे ब्याह करूँ यार? मेरा दिल भी रो रहा है, मेरी आंखें से भी आंसू निकल रही है। क्या लगता है ये सब लोग इसको मजाक बना कर रख दिए हैं? और ऐसा नेता चुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा नेता चुना कि तोरा विपद में भी भीग के भाषण देवे, जनता सुने चाहे ना बोले, कुर्सियाँ कहे ना सुने। अरे कुर्सियाँ क्यों नहीं सुने, लेकिन भाषण दे तो रहे हैं। बाकी गाँव के सभी लोग भाग गए, लेकिन ये छाता हटा दिया अपने पास से। ये बोल रहे कि मुझे छाता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जरा बताइए ऐसे बिहार बदलेगा? अरे ऐसा बिहार बदलेगा? जब तक बिहार की जनता की स्थिति नहीं बदलेगी, दिमागी हालत नहीं बदलेगी, तब तक बिहार बदलने वाला नहीं है। और मेरा माइक भी बिक रहा है, मेरा कैमरा भी बिक रहा है, और मैं भी बिक रहा हूँ, मेरा कैमरामैन भी। और उससे बड़ी बात, यहाँ पे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भीज रहे हैं। ये किसके लिए लड़ रहे हैं यार? किसके लिए लड़ रहे हैं? मेरे और आपके लिए लड़ रहे हैं? ये खुद अपनी वोट की राजनीति करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं? कब तक हम लोग जाति और पार्टी के नाम पे वोट देते रहेंगे? जब तक देते रहेंगे तब तक हमारी यही दुर्दशा होगी। और जब तक ऐसे नेता को नहीं चुनोगे ना, आज इनके पिता के साथ हुआ, कल तुम्हारे बाप के साथ होगा, परसों तुम्हारी बहन के साथ होगा, परसों मेरी बहन के साथ होगा, तो क्या इसी तरह हम सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे? ये सबसे बड़ी अपडेट आपको हम अभी हम लोग पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड के कुंडवा चैनपुर थाना में है, और थाना के पास चैनपुर स्टेशन है, और स्टेशन के बाहर खड़ा होकर मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और भीगते हुए रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और भीगते हुए भी यहाँ पे जो नेता जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी हैं, वो लगातार अपनी बातों को जनता के पास तक पहुंचा रहे हैं। भले कुर्सी का है ना, इनका बात सुने, मुझे पता है और तुमको भी, आप सभी लोगों को भी पता है कि कोई ऐसा भीख के भाषण देता। और यहाँ पे स्थिति देख लीजिए, गांव के सभी लोग, इस क्षेत्र के सभी लोग जो न्याय की लड़ाई में शामिल होने के लिए आए थे, ये सब लोग गिद्दड़ की तरह यहाँ से भाग गए। इनको गिद्दड़ ना बोलूँ तो क्या बोलूँ? और एक सर जो पटना से आया, भीगते हुए और दहाड़ते हुए अपनी बातों को भले कुर्सी का है नहीं सुने, कुर्सी को ही सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या ऐसे बिहार बदलेगा? और ऐसे हम बिहार बदलने नहीं देंगे। और ये पप्पू यादव जी जिनकी बातों को आपके पास तक हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस तस्वीर को देख के आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे कब तक हम मरते रहेंगे और डरते रहेंगे? और ऐसा कौन सा नेता इस क्षेत्र का, पूरे बिहार का, पूरे भारत की बात मैं करता हूँ, पूरे भारत में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस तरह से बारिश में आकर के और बिक यार तुम्हारे लिए लड़े। कोई नहीं आएगा, कोई नेता यहाँ पे नहीं आएगा। इनको खुद अपने जानवरों की तबीयत की कोई ख्याल नहीं है, और फिर भी लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे नेता को मौका देना चाहिए। भले कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं पप्पू यादव को एडवर्टाइज कर रहा हूँ, और गलत कमेंट करने से पहले मेरा एक बात सुन लीजिए, कल हो के तुम्हारे घर में अगर इस तरह की कोई हादसा होगी ना, मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन कल हो के तुम्हारी घर में इस तरह का कोई कांड होगा, तो वहाँ पे भी कोई मीडिया कर्मी नहीं जाएगा। इसलिए कमेंट करने से पहले बात समझ लीजिए, और पप्पू यादव को देख लीजिए कि किस तरह से भीगते हुए बोल रहे हैं, और हम भीगते हुए उनकी बातों को आपके पास तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी वीडियो में बने रहिए, क्या कुछ होता है उसको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। काट दीजिए।